स्टूडेंट्स, जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने अवकलनता के सत्ता के कुछ क्वेश्चन थे वो किए थे। लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। आपके लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं, उनमें आपको क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान फलन एफ एक्स बराबर ग्रुप ब्रैकेट में एक्स। महत्तम मान फलन का मतलब ये होता है कि x का मान अगर हम जो भी रखें उसमें जो हमें पूर्णांक मान दिखाई दे रहा है केवल वही मान बाहर आएगा, पॉइंट वाला नहीं आएगा। कैसे? जैसे हमने ग्रुप ब्रैकेट में लिखा 1.5, तो इसमें पूर्णांक हमें एक दिखाई दे रहा है तो एक बाहर आ जाएगा। अगर हमने इसमें लिखा 7.9 तो इसमें पूर्णांक आपका 7 बाहर दिख रहा है तो 7 आपका बाहर आ जाएगा। ये होता है आपका महत्तम पूर्णांक फलन, जिसके लिए कह रहा है कि बिंदु x बराबर 2 पे अवकलनीय है। तो ये बिंदु आपका x बराबर 2 पे अवकलनीय है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सतत में भी आया था। सतत में आया था आपका एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रू ब्रैकेट एक्स, इस प्रकार का, जिसमें भी हमें x बराबर 3 के लिए कहा गया था। बताओ कि ये सतत है या नहीं है। अब इसमें x नहीं दिया, केवल इस ग्रू ब्रैकेट को दे महत्तम पूर्णांक फलन को दे दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पता करेंगे। तो पता करने के लिए अवकलनता के जब भी हम पता करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो होता है LHD, एक होता है RHD। तो पहले हम निकालते हैं LHD किस पे, x बराबर 2 पर। एक्स बराबर 2 पर LHD बराबर तो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच माइनस एफ 2 बटा माइनस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, ये आपका माइनस का जगह एफ 2 माइनस एच। 2 माइनस एच रखना है अपने को इसमें, तो ये आ जाएगा आपका ग्रुप ब्रैकेट में 2 माइनस का एच माइनस, फिर एफ 2 रखना है, 2 बीच में रखा जाएगा, तो ये आ गया आपका 2। तो लिमिट एच टेंस टू 0 बटा, अब देखो 2 माइनस एच, तो एच का मान नगण्य होता है लेकिन कुछ तो होता ही है। जैसे मान लो एच का मान 0.1 है, तो ये 2 में से घटेगा तो 1.9 कर देगा। लेकिन अब आपका पूर्णांक 2 न रह के, 2 माइनस एच पूर्णांक 2 न रहकर एक, इसका मान आ जाएगा 1। क्यों? थोड़ा सा भी कम हो, भले कम तो कर दिया तो 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। इसलिए अब 2 पूरा पूरा है, 2 बाहर आ जाएगा आपका बट्टा माइनस का एच बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या माइनस 1 बट्टा माइनस का एच, माइनस से माइनस कट गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 बट्टा एच। अब 1 बट्टा एच आ गया, इसको और अधिक अब मल नहीं कर सकते, केवल एच बचा है तो केवल अकेला एच हल नहीं हो सकता। तब क्या करें, तब अपन कह देंगे, रख देंगे एच का मान, तो रखना ही अपने को, तो एच का मान रखती 1/0, 1/0 यानी क्या आ गया, अनंत आ गया। और अनंत क्या होता है आपका, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। तो हम कह देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं है, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। और हमें यही सिद्ध करना था कि भैया अवकलनीय है, तो हमने शो कर दिया कि भैया अवकलनीय है नहीं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 टू एक्स माइनस 3, एक्स लेस देन 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब एफ टेस्ट 2 माइनस 0 ज्ञात कीजिए
सबसे पहला काम तो क्या है, अपने को फलन लिखना था। हमने फलन लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक और दो एक्स माइनस तीन, एक्स लेस देन दो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दो। हमें कह रहा अब ये निकालो, तो इसलिए एफ डेस टू माइनस जीरो। अब देखो टू माइनस जीरो है, इसका मतलब एक्स बराबर दो है, माइनस जीरो है तो माइनस का एच, माइनस का एच किस मतलब लेफ्ट हैंड में, इसका मतलब लेफ्ट हैंड है, और ऊपर डेस है इसका मतलब डेरिवेटिव है। तो ये आपका एल एच डी है, यानी अवकलनीय नियम है, डेस होता है तब अवकलन होता है, इसलिए मुझे बताया था कि यहाँ डेस लगा देते हैं इसका मतलब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, माइनस एच करते हैं इसका मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना अपने को। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ दो माइनस एच, दो पे निकालना है, माइनस एफ दो बट्टा माइनस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो गया माइनस का एच। अब दो माइनस एच रखना है, दो माइनस एन दो से कम, तो ये रहा आपका दो से कम, इसमें एक्स की जगह रख दो, तो दो माइनस एच रख दिया, एक्स की जगह माइनस का एक पहले से है तो माइनस का एक, फिर माइनस दो रखना है, दो के बराबर ये रहा, इसमें रखेंगे तो कोष्ट लगाया दो एक्स की जगह ले दिया दो माइनस तीन, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का एच, तो ये यहाँ से कम हो रहा है तो एक माइनस एच, दो दूनी चार में से तीन गया तो ये भी बचा आपका एक, तो एक से एक कैंसिल, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया माइनस एच बट्टा माइनस का एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच से माइनस एच का क्या वो भाग के कितना बचा एक, तो इसका मतलब आपका एफ टेंस टू माइनस जीरो कितना आ गया एक आ गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका एच का कोई पता नहीं है तो लिमिट हट जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। इस चीज़ विशेष ध्यान रखना कि आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आपको स्टेप बाई स्टेप इसको करने की ज़रूरत रहती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उसको कहा क्या हुआ है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, दो नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका इस चैप्टर में, या तो सतत के लिए कह देगा या अवकलनीय के लिए कह देगा। और ज़्यादातर तो क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, आपको दे दिया होता है कि ये फलन दिया हुआ है, ये इस बिंदु पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करो या m का मान ज्ञात करो या a का मान ज्ञात करो। 33% बार अवकलनीय का क्वेश्चन आता है और 60% बार आपका सतत का क्वेश्चन आता है। 60% में मतलब तीन पार्ट हो गए, एक क्वेश्चन अवकलनीय का आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है मतलब या सतत का आ सकता है, या सतत दिया हुआ है किसी का बिंदु मान ज्ञात करने का आ सकता है, इस प्रकार से।